समय के बाद ये देखने के लिए मिल रहा है। ये मतलब 3 मंथ से ही यहाँ पास खड़ी है और 3 मंथ से जो इसका हालत हो रखा है ना, वो इस तरह हटाते हैं और गाड़ी कंडीशन देखते हैं भाई किस तरीके का है। तो गाड़ी का कंडीशन, हे गाइस वेलकम टू बैक इन अदर व्लॉग्स, मैं निशान खान, दिस वॉच चैनल इट्स आर्यन व्लॉग। तो कैसी मेरी यूट्यूब की फैमिली बताना अपने अपने कमेंट बॉक्स में। और आज वीडियो की शुरुआत हो रही है सीधा मोटो व्लॉग से और बहुत ही समय के बाद आज मैंने मोटो व्लॉग सेटअप फिर से लगा के रखा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं बिजी चल रहा था यार, तो उस कारण से मोटो व्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज फाइनली मैंने अपने काम से थोड़ा सा टाइम निकाल के आज मैंने सोचा कि बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे से पूछ रहे थे, बहुत लोगों को मैसेज भी आ रहा था कि भाई आपने यूट्यूब छोड़ दिया है क्या करके। तो मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ा है यार, मेरे शॉर्ट्स आते रहते हैं, आप लोग एक बार शॉर्ट्स भी चेक किया करो, शॉर्ट्स मेरे आते हैं बट लॉन्ग वीडियो अभी बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो आज किस वीडियो में गाइस, आज फाइनली हम लोग एक लॉन्ग वीडियो लेके आ गए हैं मोटो व्लॉग के ऊपर फिर से। तो बहुत लोगों को इंतजार था कि भाई 15 गई तो गई कहाँ, जिसका नाम हम लोग रखा था गॉडज़िला। तो कि ये गाड़ी हम लोग के फ्रेंड के घर में है और ये बाइक का कंडीशन यहाँ पास आने के बाद भाई अंदर से जो फीलिंग आ रहा है ना, वो बहुत ही अलग आ रहा है। मतलब 3 मंथ से ही यहाँ पास खड़ी है और 3 मंथ से जो इसका हालत हो रखा है ना, वो इस तरह का है। लेकिन आज हम लोग इस गाड़ी को लेके निकलेंगे और इसमें को कुछ कुछ काम भी करवा लेंगे। बाकी इसमें का बहुत लोग गाइस, ये गाड़ी हम लोगों ने सेल कर दिया है, एक्सीडेंट हो गया या फिर बहुत कुछ कहानियाँ बन रही है। लेकिन मैं आप लोग बताता हूँ, ये बाइक हम लोगों के पास है बट मैं इसे चला नहीं रहता, वो बात अलग है। ये बाइक हम लोगों ने सेल नहीं किया है और सेल करेंगे भी नहीं कभी हम लोग। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर इसको हटाते हैं, कंडीशन देखते हैं भाई किस तरीके का है। तो गाड़ी का कंडीशन कुछ इस तरीके का है, देख रहे हो पूरा झाई जाला माटा हर चीज़ यहाँ पर लग चुका है। ओ यार इस तरीके का हाल देखे तो साइड उठो। वो इस टाइम मेरे को गॉडज़िला के ऊपर इतना ज़्यादा वो हो रहा है। और ये रही हमारी गॉडज़िला भाई, आज भी ये नाम है, कभी मिटा नहीं है और मिटेगा भी नहीं। तो इस तरीके का हाल है गाड़ी का, पूरा धूल धक्कर चाबी। और हम लोग गाड़ी को देखते हैं, कोल्ड स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट इट नाउ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से बैटरी लो नहीं हुआ है, अच्छी बात है भाई बैटरी लो नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूल अप चेक कर लेते हैं भाई, पेट्रोल वेट्रोल है कि नहीं है गाड़ी में। तो पेट्रोल तो है, थोड़ा मोड़ा है, मतलब पेट्रोल पंप तक ही चल देगा आराम से। देखो अगर आप लोग के पास भी ये गाड़ी अगर 2-3 महीने से खड़ी है ना, तो 2-3 बार आप लोग चाबी को बंद चालू कर लो, क्योंकि इसका जो फ्यूल वाला इंजेक्टर होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा पेट्रोल जाए क्योंकि इतने दिन तक ये सूखा होता है। अचानक से अगर आप लोग एक साल में स्टार्ट करके उसे RPM दोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए मैं 2-3 बार कर लेता हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है यार जब ये मीटर ऐसे शो होता है ना, और जब ये RPM लाइट शो करता है तो बहुत ही अच्छा फील होता है। निकालना बहुत दिक्कत हो रहा है, लगता है इसका एयर भी निकल चुका है। ओ भाई इसका हवा भी निकल गया लगता है, तब तो ये और जाम हो गया। हाँ हाँ, तो फाइनली गाइस अभी हम लोग की गाड़ी बाहर आ चुकी है और अभी तो मेरे को ये टेंशन हो गया यार कि ये गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो करेंगे कैसे हम लोग, क्योंकि हम लोग के पास कोई एक्स्ट्रा, और मैंने अपनी बाइक को अपने घर पर रखे आया हूँ क्योंकि भाई मेरी बाइक मेरे को यहाँ पास लाया नहीं पाया क्योंकि मैं किसी और के साथ बैठ के आया। बट यहाँ पास ये दिक्कत हो गया, अगर मैं अपनी बाइक लाता ना तो उसमें का बैटरी निकाल के हम लोग इसमें लगा के स्टार्ट करके ले जाते, बट यहाँ पास जस्ट उल्टा हो रहा है अब। तो अभी कोई भी आइडिया नहीं है, गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हुई, बैटरी लो गया, अभी हम लोग धक्का देंगे, धक्का देने के बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे। तो मेरा दोस्त यहाँ पास हेल्प करेगा क्योंकि एक दिन में तो गाड़ी होगी नहीं स्टार्ट। तो मैं बैठ जाता हूँ और ये इसको इससे आज धक्का दिलवाता हूँ भाई, दोस्ती यारी में ये सब तो चलता ही है, धक्का देना नहीं नहीं देखिए गाइस फिर से बंद हो गया। स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है, चल ले धक्का दे, धक्का देना पड़ेगा गाइस, चल स्टार्ट हो जा। चलो फाइनली गाइस स्टार्ट हो गया 3 मंथ के बाद। अभी हम लोग गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट यहीं फंस होने देते हैं अब, क्योंकि फिर वापस घुमा के लेके जाएंगे। ये गाड़ी स्टार्ट हो ही गया, कूलेंट वूलेंट तो सब है। आते समय के बाद ये देखने के लिए मिल रहा है, ये हमारी महना सही है यार, अच्छा लगा भाई गाड़ी स्टार्ट तो हो गई कम से कम फाइनली। अभी हम लोग इसको लेके चलते हैं, वॉशिंग कराएंगे बढ़िया से, उसके बाद फिर लेके निकलते हैं इसको कहीं अच्छे से राइड पर। तो गाइस फाइनली हम लोग की बाइक स्टार्ट हो गई है, तो अभी मैं इसको यहाँ से लेके निकलता हूँ
और इसको वॉशिंग वॉशिंग कराते, क्योंकि भाई इतनी गंदी हालत में तो मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। अभी मेरे पूरे वाइट टी शर्ट पर दाग धब्बे सब लग गए हैं, उसके अलावा पूरा ब्लैक पैंट, और ये देखो बच्चा। तुम्हें भी ला लो, वो भी है क्या? बुला लो बुला लो। नहीं नहीं मैं रुका हूँ यार। क्या नाम है आप लोग का? मेरा नाम प्रज्वल है। अच्छा प्रज्वल, ठीक है। मेरा नाम ओ अच्छी है, तुम्हारी साइकिल बहुत अच्छी है। प्रांजल, ओके ठीक है। हाँ अच्छा, थैंक यू। हमारे क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर मिल गए थे, अब वो पता नहीं यार देखो हमारे वीडियोस देखें या मत देखें, बट उन लोगों का प्यार है ना वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा लगता है यार, इतने प्यारे प्यारे से बच्चे हैं भाई, इतने छोटे छोटे से। ये जो कॉलोनी है ना, ये पूरा बच्चों से भरा हुआ है। यहाँ पर हर एक कॉलोनी पर आप लोगों को छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे जो हाय हेलो करते ही रहते हैं मेरे साथ। बहुत अच्छा लगता है, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, लव यू। और यहाँ से हम लोग निकलते हैं भाई, हर जगह भाई अभी पता ब्रेकर बन गए हैं, अभी कोरबा में हर जगह ब्रेकर बन गया गाइस। आल के लिए गाड़ी में फ्यूल है बट एयर नहीं है, एयर भी वहीं चेक करवा लेंगे अपन। गाइस पता है आप लोगों को कोरबा का मौसम ना कभी भी किसी वक्त बदल जाता है, और थोड़ा मौसम का दिक्कत जा रहा है, तो इसीलिए भाई गोप्रो को मैंने सीधा वाटरप्रूफ के केसिंग में लगा के घूम रहा हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सा क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा, बट आप लोग थोड़ा सा आज मैनेज कर लो यार, नेक्स्ट टाइम से फिर क्या। देखो गाइस वापस आ चुकी यार वॉशिंग वॉशिंग के लिए, और अभी हम लोग गाड़ी बढ़िया से वॉशिंग वॉशिंग हो रही है, वॉशिंग होने के बाद फिर हम लोग इसको लेके निकलते हैं, थोड़ा सा फोटो शूट वोट कर लेंगे आज, क्योंकि भाई मैं रियली बता रहा हूँ गाइस मैंने इसको सबसे ज़्यादा मिस किया था इस बाइक को, क्योंकि तो फाइनली गाइस हम लोग की गाड़ी पूरी वॉशिंग हो चुकी है अभी, और गाड़ी का अब हालत देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो अब करिए भाई, कौन कहेगा गाइस कि 3 मंथ तक की गाड़ी खड़ी थी भाई। यामा की गाड़ियाँ मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा दमदार होती हैं, देख रहे हो। 3 महीने में गाइस मतलब कि थोड़ा सा बस बैटरी बस लो हुआ, उसके बाद अभी ना गाइस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जब मैं वॉशिंग करवा के इस गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट किया ना, फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, फिर ऐसे ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया है, और मतलब कि जैसे थोड़ा टाइम तक हम लोग खड़ा रख देंगे ना, तो इस गाड़ी का ना थोड़ा सा बैटरी फिर से डाउन हो जा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा देख ताक के ही चलाना पड़ेगा हम लोगों को। इसका बैटरी को तो मैं एक बार लेके जाऊँगा सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर में एक बार हम लोग इसको चेक करवा देंगे, क्योंकि हर जगह फिर बार बार गाड़ी बंद होगी, बैटरी लो होगा यार, तो बार बार धक्का देने के लिए कोई आएगा नहीं। तो गाड़ी तो बहुत ही अच्छी चल रही है यार 3 मंथ के बाद भी, लास्ट बार